जैसे कि एक कड़ी हमने शुरू करी है, यहाँ से धर्मशाला विधानसभा से कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है वो है दावेदार टिकट की कांग्रेस पार्टी। भाजपा तो अपना टिकट अनाउंस कर चुकी है, कांग्रेस के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा को वो ले चुके। आइए हम बात करते हैं जिस तरह का एक प्रकरण वहां पर बदला है, शायद एक ऐसा प्रकरण कांग्रेस में भी हो सकता है, इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं। तो इसलिए हम रूबरू हो रहे हैं राकेश चौधरी, पूर्व प्रत्याशी रहे भाजपा से विधानसभा के चुनावों और अब इन्होंने भाजपा छोड़ दिया। बहुत सी बातें हैं इनके बारे में, भाजपा में जो भीड़ जुटाई जाती थी और जितनी भी रैलीज यहाँ पर कुछ महीनों में हुई उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, पार्टी के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा, और अब ये पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट हो गए हैं और कहीं ना कहीं इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी को कामयाबी होगी। आइए उनसे बात करते हैं, आप जानते हैं क्या है उनका। स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया न्यूज आपसे जानना चाहता है कि अब आप भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं, क्या कारण है भाजपा का दामन छोड़ने के? देखिए, भाजपा का दामन छोड़ने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि एक समय पहले हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहे थे और उस वक्त जब डिलिमिटेशन हुई तो डिलिमिटेशन में हमारा विधानसभा क्षेत्र नगरोटा से सीधा धर्मशाला आ गया और उसके बाद यहाँ पे मैडम चंद्रेश थी और चंद्रेश के बाद यहाँ पे जो पूर्व में रहे मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा वो बैजनाथ से धर्मशाला आ गए। लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही थे तो हमने कांग्रेस की उसी श्रद्धा को देखते हुए हमने पूरी निष्ठा के साथ इनका काम किया और इनको जिताया भी। लेकिन जिस तरह से इनकी कार्यशैली आज आपको पता है, धर्मशाला की जो पुरानी कांग्रेस है या जो कांग्रेस थी इसमें अपने कार्यकाल में सारी कांग्रेस वो चिटक गई थी और उसमें मैं भी एक था, तो मुझे आनंद फानंद में ये सारा जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने में मुझे इतना तंग कर दिया हुआ था कि मुझे भारतीय पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ जो है वो बड़ा ही अच्छा मतलब माहौल था, बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा था। आने पान में कृष्ण कपूर जी को टिकट मिला, हमने कृष्ण कपूर जी के लिए काम किया और उनको जिताने में मेरा बहुत ज्यादा योगदान रहा है, ये सारी धर्मशाला की जनता जानती है। लेकिन वो एमपी के लिए चले और एमपी में भी बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते, लेकिन उसके बाद धर्मशाला जब खाली हुई तो उस वक्त मुझे भी हमारे लोगों ने, हमारे समाज ने या सारे धर्मशाला के लोग जिनके साथ में मिलता था, उन्होंने एक चाहा कि भाई आप भी ट्राई करें और आनंद फानंद में मुझे टिकट नहीं मिला तो नेचुरली हम तो पार्टी के बंदे थे, पार्टी का काम करना था, लेकिन लोग उस वक्त इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। और फिर उस वक्त जो बाई पोल था उसमें मैंने कंटेस्ट किया और कंटेस्ट किया मतलब बिल्कुल टचवुड बिल्कुल ये मतलब क्रॉस हो गया था सारा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है भगवान को मंजूर नहीं था, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थी और छोटी सी गलती के कारण हम कुछ एक मार्जिन से हम चुनाव हार गए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे करवाया और सिटिंग विधायक की टिकट काट के मुझे टिकट दी। उस वक्त का जो सिनेरियो था, जो एपिसोड था, वो सारे आप पत्रकार बंधु यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं तो आपका सारा कुछ आपके ध्यान में है ये सारी बातें, किस तरह से षड्यंत्र तहत मुझे हराया गया। लेकिन बावजूद उसके मैंने ये सारी स्थितियां जिस तरह से आपने बोला कि पिछले गत वर्ष महीनों में जो यहाँ पे रैलियां या पार्टी के पक्ष में जो कार्य हुआ है उनको सारे को पार्टी को एक सूत्र में बांध के सारी पार्टी को इकट्ठा करके आगे बढ़ी रहे थे हम और सबके साथ एक समन्वय बना लिया हुआ था और आनंद फानंद में फिर ये कांग्रेस से सुधीर शर्मा को ले आए, तो मेरा भारतीय जनता पार्टी में रहना मुझे लगता नहीं था कोई उचित तैयार गया है, यही सब कारण थे। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी के टिकट देने के उपरांत आप कैसे कांग्रेस के लोग आपको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि देखो आपने भाजपा में काम करा, आप बीच में आप पार्टी में भी थोड़े समय के लिए आपने लोगों से बात संबंध रखा, तो एक समन्वय जो है पार्टी के बीच में कैसे बनाएंगे? देखो मैंने पहले ये स्पष्ट किया है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात आपने करी है, कांग्रेस में एक अरसे में मैंने बहुत जीवन का लंबा समय जो कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम भी किया है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुझे टिकट मिलेगा। अगर पार्टी को लगता है, अगर पार्टी अपना सर्वे करवाती है या करवा रही है और सर्वे में हमारा नाम है तो कम से कम
कांग्रेस पार्टी के जितने भी जो वर्कर्स हैं, जो सच्चे श्रद्धा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा भूचाल सा आया था, यहाँ नहीं है, पूरे समन्वय के साथ और सारे ये धैर्यवान लोग हैं, अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं और एक दूसरे को हमने बड़ी अंदर से समझा हुआ है सबको, और इनके साथ सबके साथ मैंने काम किया है। तो उस तरह की बात जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई थी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई विरोध या कोई ऐसी बात होगी, सारे मतलब खुले मन से सारे स्वीकार करेंगे। पर ये आप बोल रहे हैं शायद ऐसा हो, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ये बड़ा सत्य है कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है और हमारे जो लोग हैं, जो मुझसे लोग जुड़े हैं, मैं 17,000 से सीधा 24,500 पे पहुंचा था, तो उसमें कैडर वोट तो बहुत ही कम मुझे भारतीय जनता पार्टी का पड़ा था, लेकिन जो मेरे खुद की मेरी कमाई है वो बहुत संख्या इतनी भारी है कि हम कहीं से भी करेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए धर्मशाला की अगर हम बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण भी चलता है, शहरी समीकरण भी है और आप एक विशेष जाति को भी ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं शहर के लोग आपको वोट क्यों करेंगे आपके अनुसार, मतलब कैसे आप उनको कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करें, गद्दी कम्युनिटी है, कैसे आप उनको कन्विंस करेंगे, क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? देखिए विकास कभी रुकता नहीं है और विकास एक ऐसा सागर है जिसको जितना मर्जी आप करते चले जाएंगे वो कभी भरेगा नहीं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये विकास पुरुष हैं, इन्होंने विकास करवाया है, सड़कें टाइलें, ये विकास नहीं है। विकास की और बड़े बड़ी संभावनाएं धर्मशाला के अंदर, अपार संभावनाएं हैं वो जो हमारे मन के अंदर हैं। सबसे बड़ी बात मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की करूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा धर्मशाला के अंदर रहा है और पूरे प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थी और वो धर्मशाला के लिए आई थी और धर्मशाला में ना बन के रहे और इन नेताओं की नलायकी की वजह से वो आज राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है और एक बड़े प्रभावशाली पदों पे रह के ये 1 इंच जमीन ट्रांसफर नहीं करवा सके हैं। आज एक ब्लॉक का काम 2 बार उद्घाटन हो गया लेकिन धरातल पे उसको उतारना जो जिसकी सही में प्राथमिकता थी उस काम को ये लोग नहीं करा पाए हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बात रही जैसे अपने शहर के लोगों से, मतलब आपको क्यों स्वीकार करेंगे, मैं एक जाति विशेष से हूँ, जाति कहीं ना कहीं हर एक आदमी कुछ न किसी समुदाय से संबंध रखता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरा लोगों के बीच बैठना उठना मिलना जुलना व्यवहार है वो मुझे नहीं लगता कि ये सारे नेतागण जो है वो अपना व्यवहार इस तरह से बनाए हुए हैं, किसी ने कोई ऐसा नहीं है, सब सेल्फ सेंटर्ड है, अपने मतलब तक ही, अपने स्वार्थ तक ही सीमित है। और ये तो आपने अभी प्रमाण भी देख लिया, जब पिछली कांग्रेस सरकार में जो विधायक थे उनके दरवाजे पिछले 14 या 15 महीनों का जो अंतराल हुआ सरकार को बने हुए, तब से लेके आज दिन तक लोगों के लिए वो दरवाजे कभी नहीं खुले हैं। और ये लोगों को अब आपने अगर अपने कपाट खोल दिए तो कपाट खोलने से अब तत्काल में अगर मैं अब कुछ अच्छा बनने की कोशिश करूंगा तो वो मेरी अच्छाई नहीं होगी। आपको जब आपको कुछ किसी चीज का अंदाजा भी नहीं है कि आपको आपका फ्यूचर आपका भविष्य कहाँ लेके जाएगा, किस मार्ग, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है उसमें ऐसा निखार होना चाहिए कि आपको देख के लोग बोले कि नहीं यार ये व्यक्ति है, ये मिलनसार आदमी है, इसके व्यवहार से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो अगर आप मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूं, ये सभी लोग जानते हैं, चाहे धर्मशाला शहर के लोग है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे पर हमारे गद्दी समुदाय के लोग है, सभी लोग मुझे भली भांति जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं चुनावों की हार के बाद, जो पहला चुनाव लड़ा था उसके बाद भी और ये जो जनरल पोल हुआ उसके बाद भी मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा हूं। मैं लोगों के बीच लोगों की समस्याओं को लेके, लोगों की बातों को लेके, लोगों के अच्छे बुरे में मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्या आएगी। कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर है और उस कल्चर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी रहती है, तो क्या कोई इशारा हम समझ सकते हैं कि आपको मिला है केंद्रीय नेतृत्व? नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं है और इनके सर्वे चल रहे हैं और सर्वे में जहां तक जानकारी है अच्छा और बढ़िया मतलब पोजीशन पे नाम है। अगर आएगा इशारा तो बहुत 1 सेकंड लगता है इशारा देने में और उसको इम्प्लीमेंट कराने में। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है इनका अपना एक कार्यशैली है, तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, तो हमारा सरकार अब है ही नहीं, वो छोड़ दिया हमने, क्योंकि जिस बंदे के लिए हमने छोड़ा था वही बंदा वहाँ है तो हमारा तो कोई वहाँ काम ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी गरीबों की हितैषी पार्टी रही है, गरीबों के लिए बहुत कल्याणकारी योजना इन्होंने कलांतर से लाए हैं लोगों के लिए। अगर कुछ ऐसा बनता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल खुले मन से तैयार हूँ और अभी तक जो स्थिति है स्पष्ट नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से, देखो क्या होता है भविष्य में।
मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको कोई और पदवी देती है और आपको कहती है कि आप हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करो, उस समय में राकेश चौधरी क्या करेंगे? चलो ये बाद की बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये बड़ा सत्य है, ऐसा नहीं होगा। और कम्प्रोमाइज इस सत्य में किसी प्रकार का कम्प्रोमाइज जो हो हम करेंगे नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे हजारों में जनता है मेरे साथ है। और कम से कम 20-25 हजार लोग जो है वो बिल्कुल हमारे, मतलब उनका मैं बिल्कुल वो करता हूँ, वो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े हैं लोग, तो सारी बात उनके साथ साझा की जाएगी। जो भी निर्णय होगा वो लोगों के समक्ष ही होगा, लोगों को पूछ के होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा। जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि आपके पास एक जनमानस का जो है सपोर्ट है और पूरा एक सिस्टम है और आप धर्मशाला के डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, धर्मशाला के मुद्दों के लिए सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप आजाद चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आप खत्म हो गए, आपका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो खत्म हो गया। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, संघर्ष हमारे जीवन की एक आधार है, हमें बिना संघर्ष से कुछ मिला नहीं है, और आगामी जो हमारा ये संघर्ष है वो निरंतर जारी रहेगा। और कभी ना कभी नहीं इस बार ही जो हमारा एक सपना है धर्मशाला को एक अच्छी धर्मशाला बनाने का सपना जो है उसको पूर्ण करेंगे। यहाँ टूरिज्म की दृष्टि से लाखों संभावनाएं हैं, टूरिज्म की दृष्टि से धर्मशाला को बहुत ज्यादा डेवलप किया जाता है। यहाँ महामहिम दलाई लामा जी का टेम्पल है, अगर धर्मशाला को हम थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ना होता, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाते यहाँ पे डीसी ऑफिस या अन्य जो हमारे मुख्य कार्यालय हैं जो नहीं होते, तो धर्मशाला की अपनी क्या आइडेंटिटी है? लेकिन धर्मशाला को कैसे स्मार्ट धर्मशाला, सुंदर धर्मशाला, विकसित धर्मशाला कैसे बनाना है उसका सारा मास्टर प्लान हमारे पास है। और मुझे भी पता है कि धर्मशाला एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे सारा समाज जो है वो पढ़े लिखे लोगों से भरा पड़ा है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, भिन्न भिन्न पूरे हिमाचल के लोग धर्मशाला के अंदर बसते हैं, यहाँ एक विजनरी और स्मार्ट आदमी ही कामयाब हो सकता है। लेकिन 3 साल का समय जो आगामी चुनावों का है, अगर ये लोग मुझे आपके चैनल से के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं 3 साल में ही जो लोग 30 साल और 10 सालों में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, मैं 3 सालों में अपने आप को प्रूव करके बताऊंगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं विधानसभा, हिमाचल विधानसभा में एक संकट के बादल छाए हुए हैं, टिकट मिलना या पार्टी से जाना एक अलग चीज है, उसको राकेश चौधरी किस प्रकार से देखते हैं? देखिए प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़े सूझबूझ और संगठन से निकले व्यक्ति हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे जो एपिसोड हुआ उसको पूरे शक्ति दृढ़ शक्ति के साथ संभाल के रखा हुआ है और पूरा अभी भी पूरी दृढ़ सत्ता दिखा रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने दल बदल की राजनीति करके और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इन लोगों के साथ इन लोगों को किस मादे से वो अपने पास लाए हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ जाना तो बड़ा वो है, लेकिन आप लोगों के बीच कितना मतलब प्रभावशाली तरीके से आप लोगों के बीच हैं, क्या लोग आपको स्थिति में स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे नहीं लगता कि धर्मशाला या अन्य जो उपचुनाव जहाँ पे होना है जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो इनको कितना स्वीकार करते हैं, वो आने वाला समय बिल्कुल भरी भांति आपको दिखाएगा। कहीं ना कहीं विधानसभा की अगर हम बात करें, और अगर हम मानते हैं कि आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले और आप चुनाव लड़ें, लेकिन अगर मान लो आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलता है और आप चुनाव लड़ते हैं और आप चुनाव जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा में आपकी एक अहम भूमिका रहेगी, उस भूमिका में आप किसके साथ जाएंगे? वो तो आने वाला वक्त बताएगा किसके साथ जाएंगे, लेकिन उसी के साथ जाएंगे जिसके साथ जिसकी पार्टी सरकार होगी। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।